और पश्चिम बंगाल की बात आज महाभारत में। महाभारत में आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, डॉक्टर हड़ताल पर है, जनता आईसीयू में है, लेकिन ममता बनर्जी डॉक्टरों को सुरक्षा देने की बात तो नहीं कर रही है, उल्टी उन्हें धमकी दे रही हैं। और इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों दिया जा रहा है, इस पर भी बात होगी आज महाभारत में। और इसीलिए जो सवाल हम पूछ रहे हैं, सवाल कि क्या चुनाव में हार से बौखला गई है ममता, महाभारत में सवाल ये भी कि क्या बगैर सुरक्षा के डॉक्टर्स काम कर सकते हैं, महाभारत में सवाल यह भी कि डॉक्टरों की वाजिब मांग पर उन्हें धमकी क्यों दी जा रही है, सवाल यह भी कि डॉक्टरों की मांग पर भी सियासत करेंगी क्या ममता बनर्जी, और क्या ममता के हाथ से फिसल रहा है बंगाल। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे करा दूं। राहुल चक्रवर्ती हैं, राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी का पक्ष रखते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता के शर्मा है, एके मिश्रा है राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही सीपीआई के नेता, वरिष्ठ नेता अमीर हैदर जैदी हमारे साथ है, और बहुजन एक्टिविस्ट सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत करूंगी राहुल चक्रवर्ती और केके शर्मा के साथ। राहुल चक्रवर्ती, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, इस तरह के प्लैकार्ड्स, इस तरह के पोस्टर लेकर डॉक्टरों को बंगाल में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? राहुल चक्रवर्ती, देखिए बंगाल में जो चीज चल रहा है, जो घटना लेके इतना बड़ा शोर मचाया जा रहा है, वो दुखदायक घटना है, इसमें कोई दोराय की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हुआ है सो गलत हुआ है, जो चीज हुआ है उसको हम समर्थन नहीं करते, किसी तरह समर्थन नहीं किया जाता है, मगर एक बात जो हुआ है वो गलत हुआ है राहुल जी, लेकिन कर कौन रहा है? आप करने के बाद अगर कहें जो हुआ वो गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर सवाल तो आप पर ही खड़े होंगे, टीएमसी पर ही खड़े होंगे। नहीं नहीं, आप करने के बात नहीं है, बात यह है जो हम लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं, कर कौन रहा है? जो कर रहा है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, 5 आदमी को अभी तक पुलिस ने अरेस्ट करके सलाखे के पीछे ले गया है, कार्रवाई चल रहा है जो इसको बंद होना चाहिए, मगर कर कौन रहा है ये बात जैसे पहला नंबर सवाल में उठ रहा है। दूसरी बात यह है, अरे? जो जहां भाजपा में अके मुकुल रहा है, ये सुनिए सुनिए राहुल जी, आप आगे बढ़े, उससे पहले मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही, यहाँ पे कर कौन रहा है वो एक कर, के शर्मा जी, कहने का ये सवाल कहाँ से, कर कौन रहा है? डॉक्टर हड़ताल में है, आपके डॉक्टर आपके मुख्यमंत्री से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनके डिमांड है, आपकी मुख्यमंत्री उन डॉक्टरों को धमकी दे रही हैं, ये है घटनाक्रम, इसमें कर कौन रहा है, इसका क्या आशा है आपका कहने का? समर्थन नहीं कर सकता। वाकई में सुचेता जी, वास्तु की स्थिति आज बंगाल में हो गई है कि ममता बनर्जी अपने अलोकतांत्रिक कदम के कारण आम जनता का कत्तों की विश्वास तो खो ही चुकी है, साथ ही साथ वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है, जो अन्य पदों पर बैठे हुए लोग है, अधिकारी गण है, विश्वास क्योंकि उनके तिमूल के गुंडे जो है उनसे भी वसूली करने में, उन्हें धमकाने में, उन्हें मारने पीटने में और अपने मन मुताबिक सिंडिकेट को चलाने के लिए पूरी तरह से वहाँ के अधिकारियों पर हावी गिरफ्तार किया गया, अधिकारी वहाँ ये चाह रहे हैं ये सिंडिकेट से वो बाहर आए, वो इनके लाल राहुल चक्रवर्ती भ्रष्टाचार से बाहर आए। राहुल चक्रवर्ती, देखिए ये सवाल, देखिए ये बड़ी अजीब स्थिति है, ममता बनर्जी वहां जाकर डॉक्टरों को धमका रही है काम पे वापस लौटिए, वहां डॉक्टर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्यपाल को जाकर शिकायत कर देते हैं, ऐसा कहां होता है? राज्यपाल को जाकर ममता सरकार की शिकायत किसने की? राहुल चक्रवर्ती, आप अगर मनगढ़ंत कहानी बनाइएगा, मैं मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ। अरे देखो राहुल चक्रवर्ती, आप लोग को सीधा सुनिए, टीवी फुटेज झूठ बोल रहे हैं क्या वहाँ के भाजपा ने? आप हमको ये बता दीजिए जो यह कहा का रीति है, ठीक है? सुनिए 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 राहुल चक्रवर्ती सुनिए, हड़ताल कर देंगे मुख्यमंत्री, हड़ताल कर सकते हैं डॉक्टर से, सेवा कैसे की जाती है सर, जरा उनसे सीखिए। एके मिश्रा बोल रहे हैं, सबसे बड़े वो फिजिशियन, अरे डॉक्टर को सेवा करना पड़ता है, डॉक्टर का धर्मघट या हड़ताल नहीं करना चाहिए, पे डॉक्टरों को इतना सारा बीमार आदमी, उनका क्या कसूर है? दीदी की दादा जितना सारा बीमार आदमी उसका क्या कसूर है? दीदी की दादा उसका क्या कसूर है?
ठीक है राहुल चक्रवर्ती, मैं जवाब एक सतीश प्रकाश ना आपको सीखना है, सुनिए सुनिए, एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हैं? सतीश प्रकाश नहीं, मैं किसी पक्ष, आप लोग जबरदस्ती इसको पॉलिटिकाइज कर रहे हैं, राहुल चक्रवर्ती राहुल चक्रवर्ती सुनिए एक मिनट, सवाल सतीश प्रकाश, किसी पक्ष को नहीं दबाया जा रहा, मैं तो आपसे पूछ रही हूं, मैं राहुल चक्रवर्ती से पूछ रही हूं, डॉक्टर तो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें सुरक्षा दीजिए, उन्हें ये प्लकार्ड पकड़ना पड़ रहा है, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, उन्हें उस स्थिति में किसने पहुंचाया है? देखो मैं एक नेचुरली जो है वो भी बंगाल का हिस्सा है जो डॉक्टर कर रहे हैं, अरे एक बात सुनिए, काम कर रहे हैं, अगर उनको उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन एक बात बताइए कि ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 घटनाएं होती हैं, आप मेरी बात सुनिए ना, आप 100 घटनाएं उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं, मैं ये भी की बात कर रहा हूं सर, मैं कोई मरीज है अगर उसकी असहमति है, आम तौर पर जो मरीज है ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटती है, मेरे हिसाब से डॉक्टरों का ये राइट है कि उनको एक सुरक्षित माहौल मिले, लेकिन आप सुनिए हाथ में थमा दी और इस बात की चर्चा करानी शुरू कर दी, आप चर्चा कराइए ना, अगर जो मरीज सतीश प्रकाश, आप यूपी की बात कर रहे हैं, आप यूपी की बात करिए, आप असम की बात करिए, आप महाराष्ट्र की बात करिए, आप किसी भी राज्य की बात करिए, लेकिन किसी भी राज्य में अगर डॉक्टर और मरीज के बीच, दोनों चीजें डॉक्टर और मरीज के बीच में एक रिश्ता है, अगर डॉक्टर भगवान है तो मरीज जो है वो सेवा लेने के लिए कहीं ना कहीं पैसा दे रहा, इस देश में इस तरह की कोई ठोस नीति नहीं है, अगर अगर आप ये बताइए डॉक्टरों ने शिकायत की तो उसका हल क्या था, उसका हल क्या होना चाहिए, डॉक्टर का झगड़ा सरकार से नहीं है, ये तो हर जगह होता है, हर जगह कई जगह डॉक्टर मरीज कई जगह डॉक्टर शिकायत करते हैं, ये समस्या रही, आप उसे हिंदू मुसलमान बनाएंगे, उनको हाथ में डंडे लेकर के बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, सुनिए वहाँ के स्थानीय थाने में से जाके संपर्क करना चाहिए, मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं आप एक छोटी सी बात को हम बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं, छोटी बात है ये, छोटी बात है, ये छोटी बात है, वहाँ पर डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं, काम करने से मना कर रहे हैं, उन पर एक्शन की बात कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहे हैं काम पर, कराने से पहले भारत में एक ठोस नीति बनानी चाहिए, नहीं आ रहे हैं जबकि उन्हें बोला जा रहा है, जो मरीज है उसका जो पक्ष है और जो हॉस्पिटल है, जैदी जी इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान कौन बना रहा है, ये कहां तो बना रहे, ममता बनर्जी क्यों कह रही है, ममता बनर्जी ने क्या कहा, मरीज और डॉक्टर के बीच का झगड़ा है, बिल्कुल यही मैं भी कह रही हूं, मरीज और डॉक्टर के बीच का झगड़ा है तो ममता दीदी जाके क्यों बोल रही है, अरे भाई मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुख्यमंत्री मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, अगर जैदी जी अभी तक नहीं बोले हैं, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं जैदी जी के पास आऊंगी, नहीं एक ब्रेक ले रही हूं, लेकिन इस मामले को हिंदू मुसलमान क्यों बनाया जा रहा है इसी पर बात, एक ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद इतिहास, चलिए महाभारत में मैं सीधे आ रही हूं जैदी जी आपके पास, ब्रेक से पहले आपसे बात नहीं हुई जैदी जी, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर और मरीज का झगड़ा था, इसे हिंदू मुसलमान किसने बना दिया, इस तरह की राजनीति कौन कर रहा है? सुचेता जी, पश्चिमी बंगाल की वर्तमान स्थिति के लिए दोनों सरकारें मौजूद जिम्मेदार है, कुछ दंगाइयों का समर्थन राज्य सरकार कर रही है और कुछ दंगाइयों का समर्थन केंद्र सरकार कर रही है, दोनों क्या क्या फिलॉसफी है साहब, राज्य सरकार किसको कर रही है सर, जरा से खत्म हो गया, कम्युनिस्ट उड़ गए, दोनों पर गाली दे, दोनों पर गाली दे, दोनों पर गाली दे, ये आतंकवाद है, आपको पूछने वाला नहीं बंगाल में, धर्म का है, रोड से बाहर कर दिया आपको, मुख्यमंत्री को शोभा देता है, आप देश भी चलाना चाह रहे हैं, देश भी चला रहे हैं, आपको बंगाल की जनता ने समेट लिया, बोरिया भी तो आपका समेट लिया, सच बोला, हाँ ये सच है, अरे छुपा, ये आपका सच है, खोल दीजिए ना, की राजनीति करने वाले, बताइए नाम, बताइए ज्ञान दे रहे, ये खूनी खूनी राजनीति के ये पुरोधा है, ये खूनी राजनीति के पुरोधा है कम्युनिस्ट वामपंथी, सुनो हौसला क्या है, अरे हमें खूनी राजनीति नहीं सुननी है, सुनो आप उसके पुरोधा है, आपने देश में खून की राजनीति खेली है, आप वामपंथी हो और आप यहाँ ज्ञान दे रहे हो दंगाइयों का, जैदी जी हिंसा करते थे, वो हिंसा दुर्गा का था, जैदी आज वो हिंसा आपको क्या लग रही है, जैदी जी आपके बगल में बैठे सतीश प्रकाश ने केरल और बंगाल में डॉक्टर और मरीज के बीच का झगड़ा था, ये कम्युनिस्ट है, सुनिए सुनिए, अगर ये डॉक्टर और मरीज
इसके बीच का झगड़ा था, तो इसका इसका हल तो बहुत आसानी से सरकार निकालते कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाएगी। मिलके बंगाल क्यों चलाना चाहते हैं? जाते बात सुनिए ना, हल ना निकाल कर हम क्या कर रहे हैं? समेट दिया है, हिंसक कौन है? अरे आपसे बड़ा हिंसक कोई नहीं है, ममता हिंसक नहीं है, वामपंथियों से बड़ा हिंसक और कम्युनिस्टों से बड़ा हिंसक कोई नहीं है। ठीक है, सतीश सतीश प्रकाश और एके मिश्रा, मेरे पास समय कम है। एके मिश्रा सतीश प्रकाश, एके मिश्रा सतीश प्रकाश, इस देश में नक्सल पहाड़ी और नक्सल के जनक है, इनको पहचान ही है, इन नक्सलियों सब एक साथ नहीं, नहीं नक्सली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भीड़ का हिंसात्मक व्यवहार है उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, और कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी दिया जा रहा है। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, कल एक यूपी बार काउंसिल की अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती होती है, ने कर लिया है ना, उसके ऊपर कोई बोलने के लिए था महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी बात नहीं करूंगी। अगर डॉक्टर मरीज का झगड़ा है जैसा सतीश प्रकाश कह रहे हैं, वो उसे उसी तरह से देखना चाहिए। अगर इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है तो ये सरकार ही दे रही है, क्यों दे रही है ये सोचना होगा, ये कैसी राजनीति है ये सोचना होगा। महाभारत में इतना ही, हमारे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।